हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीएसएस की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सीएसएस में हम हेडिंग टैग को यूज करके देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे। फिर एचटीएमएल, फिर नीचे आते हैं, इसको क्लोज करके फिर एचटीएमएल लिखते हैं। और फिर यहां पर हम दे देंगे बॉडी, डायरेक्टली बॉडी लिखता हूं, ठीक है। और फिर इसको क्लोज कर दिया, फिर नीचे आएंगे, फिर यहां पर आप चूंकि सीएसएस यूज कर रहे हैं तो H1 स्टाइल, हमने आपको बताया था कि सीएसएस तीन तरीकों से यूज किया जा सकता है। तो यहां पे मैं कर देता हूं बैकग्राउंड कलर, COLOR, कलर की स्पेलिंग आपको यही लिखनी है। और बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या होगा, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी, ठीक है, आरजीबी लिख दिया हमने। और अब यहां पर 255 कर जो एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया था उसे भी कर देते हैं क्लोज। और कलर कौन सा है हमारा, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। और यहां पर 255.0.0 ऐसे करके दे देंगे और फिर इसको कर देंगे क्लोज। और फिर यहां से H1 को भी कर देंगे क्लोज। अब सेम यही प्रक्रिया हर बार होगी, तो H1 ही हमें लेना है, बस हमें थोड़ा सा कलर कितना अमाउंट रखना है वो चीज चेंज कर देनी है, ऐसे करके दिया है हमने। अब यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर कर देता हूं 0, 0 और 255, ठीक है। तो यहां पर पहले 0, फिर यहां पे 0 और फिर यहां पर एट लास्ट 255 यहां पे दे देता हूं 255। तो ये दे दिया हमने। और जो सेकेंड पोजिशन है उसमें भी सेम यही चीज, ठीक है। तो 255 यहां से हटा देता हूं, यहां पे 0 कर देता हूं, यहां पे 0 रहेगा और यहां पर हो जाएगा 255, ठीक है। तो इससे कलर में थोड़ी चेंजिंग आएगी, ओके। और अब फिर यही चीज नीचे भी, तो नीचे भी इसको पेस्ट कर देता हूं मैं। और चेंजिंग क्या करेंगे, इस बार हम 60 रख लेते हैं, 60, 180, 113 ऐसे करके कुछ रख लेते हैं, कुछ इसमें चेंजिंग करते हैं। तो यहां पर मान लीजिए हमने 60 कर दिया, ठीक है। और यहां पर जो है 0 जो है इसको चेंज कर देता हूं और यहां पे कर देता हूं 179, आप 180 भी रख सकते हैं, यहां पर कर दिया हमने। और फिर एट लास्ट 113 यानी 113 कर देता हूं और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहां पर भी चेंज हो जाएगा। तो यहां इसको पेस्ट कर दिया और बाकी की चीजों को इरेज कर देंगे। फिर एंटर करके नीचे आएंगे, फिर यहां पर कंट्रोल वी करता हूं, नीचे आकर के और फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लिया हमने यहां से। और फिर यहां पे कंट्रोल वी कर देंगे। अब यहां पर हमें क्या करना है, फिर इसमें चेंजिंग करनी है। तो इस बार मैं क्या करता हूं, यहां पे कर देता हूं 238, ठीक है। पहले 255 था, उसके बाद हमने 60 यानी 0 कर दिया, फिर यहां पे 60 कर दिया, अब यहां पे कर देते हैं 238, ठीक है, 238 कर दिया और फिर 130 कर देते हैं यहां पे 130, ठीक है। तो 130 कर दिया और एट लास्ट जो है यहां पे 238 कर देते हैं, ठीक है, 238। ये अमाउंट अलग अलग आएगा, जैसे ये है ना कलर का अमाउंट, कितना कितना कलर क्या रखना चाहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू रखने से कलरफुल आएगा ये तो पता ही है। यहां पे कर देता हूं, ठीक है, और फिर एंटर प्रेस कर देंगे, नीचे आ जाएंगे और यहां पर भी थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं। तो पहले हमने 238 रखा था, फिर यहां पे कर देते हैं 255, ठीक है, ये यहां पे 255 रख लेता हूं, ठीक है, यहां पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद इसको सिलेक्शन में ले लीजिए और सिलेक्शन में लेने के बाद कॉपी कर लीजिए फिर, और फिर एक लाइन और हम यहां पे चेंज करेंगे। तो इसमें जो कुछ भी आप चेंजिंग चाहते हैं वो कर लीजिए, जैसे यहां पे मैं कर देता हूं अपने अकॉर्डिंग, यहां पे 106 कर देता हूं, कर दिया, तो ये यहां पर भी आ जाएगा। अब इन सबको बारी बारी से क्लोज करने की बारी है, यहां पे कुछ लिख भी देते हैं ताकि यहां पर एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे लिखते हैं पैराग्राफ, ठीक है, और फिर बाकी की सारी चीजों को भी हम क्लोज कर देंगे। तो यहां से पैराग्राफ टैग को कर दिया क्लोज और बाकी की सारी चीजें यहां से भी हमने कर देनी है क्लोज। तो बॉडी क्लोज कर देंगे, बॉडी लिया था हमने, और फिर यहां पर एचटीएमएल भी क्लोज कर देते हैं, एचटीएमएल
भी हमारा क्लोज हो जाएगा। अब यहां से सेव करने की बारी है, तो यहां से चलते हूं, इसे सेव कर लेता हूं, rgb.html यही नाम रख देता हूं मैं, एंटर प्रेस कर देता हूं, और यहां से अब rgb को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं आउटपुट हमारा कैसा आया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा आउटपुट है, कुछ इस तरह का आउटपुट हमें दिखाई पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।